केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया बजट समान विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित नहीं करता और हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों को पूरा करने में विफल नजर आता है। ऐसा पत्र परिषद के दौरान स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी द्वारा कहा गया है। यह बजट कोविड महामारी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में खड़ी होने वाली उन समस्याओं को भी संबोधित नहीं करता जिसके चलते महीनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे और बीते सालों में पूरे देश के विद्यार्थियों ने अनेक मुश्किलों का सामना किया। यह सराहनीय है कि शिक्षा के बजट में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा GDP के 6% हिस्से को शिक्षा बजट हेतु आवंटित करने की सिफारिश से कम है। 2019 से शिक्षा बजट को GDP का 2.9% आवंटित किया जाता रहा है। हालांकि सरकार ने वास्तव में पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान शिक्षा पर अनुमान से कम खर्च किया है। जहां तक अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियों का सवाल है, तो प्री मैट्रिक और MANF छात्रवृत्ति बंद करने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाते हुए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति में 365 से 44 करोड़ की भारी कटौती की गई है। रीइंस्टेट करने का हम उम्मीद रखते हैं। गवर्नमेंट को ये गुजारिश भी करते हैं कि ये दोनों प्लान माइनॉरिटीज के लिए ये बाकी रखने के बरकरार रखने के लिए हम को ये गुजारिश भी करते हैं। स्पेशली और भी बहुत सारे ऐसे स्केल डेवलपमेंट स्कीम में 2250 करोड़ आवंटित किए थे 2022 में, उस पे आज सिर्फ 10-10 लाख रुपए बजट में आवंटित किया है। इट्स काइंड ऑफ यह सीधे तौर पर शिक्षा और अल्पसंख्यकों की गरिमा पर हमला है। पिछले बजट में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित करना और फिर उन्हें रद्द करना अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार के पूर्वाग्रह को दिखाता है। पिछले बजट की तुलना में मदरसों के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि में भारी कटौती अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के स्पष्ट एजेंडे को दर्शाती है। उस्ताद और नई मंजिल जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों का बजट करोड़ों से घटकर महज 10 लाख रुपए रह गया है। अल्पसंख्यकों के लिए रिसर्च कार्यक्रमों और मुफ्त कोचिंग के लिए आवंटित बजट में भी पिछले बजट की तुलना में 50% की गिरावट देखी गई है, जो सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीन व्यवहार को दिखाता है। यद्यपि स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि में वृद्धि सराहनीय है, लेकिन उच्च शिक्षा रिसर्च विकास के लिए आवंटित बजट को ठीक प्रकार से संबोधित नहीं किया गया है, जो छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में छात्रों युवाओं के दूसरे देशों में पलायन का भी कारण बनता है। केंद्रीय विद्यालयों को आवंटित धनराशि सामान्य सरकारी स्कूलों को आवंटित धनराशि से 200 गुना अधिक है, जो एक स्पष्ट विरोधाभास को दिखाता है और शिक्षा में समानता के मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसा भी SIO नर्सिंग कॉलेज को बढ़ाने के फैसले का स्वागत करती है, लेकिन साथ ही यह मांग भी करती है कि मौजूदा कॉलेजों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने का प्रावधान किया जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु जिला प्रशिक्षण केंद्र और डिजिटल और भौतिक पुस्तकालय अच्छे कदम हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन के स्तर के बारे में सवाल बरकरार है। इसके अलावा बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए वर्तमान बजट में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।